हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो ये कि शिव शक्ति आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी शिव शक्ति के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर। ठीक है, सो मेजर अरकाना बहुत सारे कार्ड्स निकालेंगे। सो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप हरी हरा एंड शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी। ओके गाइस, लेट्स सी कि क्या आप लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं शिव शक्ति की तरफ से। मैंने सारे कार्ड शफल कर लिए। लेट्स सी। Emotional freedom, master putta, team, outsider, letting go, intensity and change, playfulness, true love, कि गाइस। तो यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव लव,
इमोशनल फ्रीडम, ठीक है, एंड यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर, प्लेफुलनेस, ट्रू लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, वी हैव हेरोफेंट, डेथ, सन, हैप्पीनेस, सक्सेस, सेल्फ एस्टीम, मास्टर बुद्ध, ड्रीम, आउटसाइडर, लेटिंग गो, इंटेंसिटी एंड चेंज. ओके डियर, सो फर्स्ट यहाँ पर जो मैसेज दे रहे हैं शिवशक्ति, वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में सबसे पहले आप यहाँ पर कार्ड आया था जो हमारे लिए, वो था लव योर सेल्फ फर्स्ट. तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, पहला मैसेज जो शिवशक्ति आपको दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो. परमात्मा ने ये चीज हमेशा ही बोली है कि वो व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है वही सही मायनों में किसी से प्यार कर सकता है. यानी कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो ही आप परमात्मा से प्यार कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, यानी कि आप खुद की जिंदगी, खुद की हरकतें, खुद की बातें, खुद का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है एंड आप खुद को इग्नोर करते हैं, तो आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं. तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद से प्यार करना आपको पड़ेगा. किसी भी लव रिलेशनशिप को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अनकंडीशनल लव खुद को देना स्टार्ट करना होगा. ओके, एंड यहाँ पर सेकेंड कार्ड है, वी हैव ट्रू लव, ठीक है. तो सेकेंड कार्ड ट्रू लव, ट्रू लव ये दिखा रहे हैं कि शिवशक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप जिस व्यक्ति को डिजर्व करते होंगे ना, आप उसको मौका दीजिए आने के लिए, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, तो आप यू नो यहाँ पर, क्योंकि कार्ड यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का भी था, ठीक है, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का भी कार्ड है. तो जैसे यहाँ पर शिवशक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं, अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ठीक है. जब आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं जो एक्चुअल में आपको डिजर्व करता है और जो आपको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करेगा जैसा आप डिजर्व करते हैं, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है. जब चीजों के लिए आप बाहर की तरफ ना भागकर अंदर की तरफ भागते हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ जो लोग आते हैं वो भी आपको देने के लिए आते हैं. जब आप मांगने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक भिखारी की श्रेणी में आ जाते हो जब आप मांगने जाते हो, ठीक है. और जब आप देने की मंशा से जाते हो, यानी कि आप दोगे, चाहे बाहर दे रहे हो चाहे अंदर दे रहे हो, जब आप देने की मंशा से जाते हो चीजें आपकी तरफ आती हैं. यहाँ पर एक कार्ड आया है प्लेफुलनेस. यहाँ पर शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा यू नो सीरियस हो गए हैं रिलेशनशिप को लेकर, चीजों को लेकर. अपने अंदर अपने बच्चे को दोबारा जगाइए, अपने इनर चाइल्ड को वापस से जगाइए, क्योंकि लव जो है वो कभी भी इनर चाइल्ड को मरने नहीं देगा. जो भी आपकी लाइफ में ट्रू लवर आएगा वो आपकी इनर चाइल्ड को हमेशा जिंदा रखेगा. यानी कि वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आएगा वो आपके अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देगा, ठीक है. आप देखिए, ट्रू लवर हमेशा आपके इनर चाइल्ड को हील करते हैं, आपके इनर चाइल्ड को पैम्पर करते हैं, आपके इनर चाइल्ड को हमेशा खुश रखते हैं. आप देखिए, आप ट्रू लवर के साथ हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पर एनर्जी है. यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स है, तो कुछ लोग के कनेक्शन में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में आपका स्पिरिचुअल जो पाथ है, यानी कि आपकी जो वैचारिक मतभेद हैं, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन खराब होते हैं उनके वैचारिक मतभेद के कारण. इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि आप में से एक व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल है और एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है. मटेरियलिस्टिक व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसलॉयल्टी होती है उनमें, ठीक है, और स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होगा उसमें लॉयल्टी होगी, उसकी हर चीज़ को करने के तरीके में रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे. किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी कि हर्ट हो जाए, किसी का बुरा हो जाए. लॉयल्टी, अपना देखना, अपना मतलब देखना, ठीक है. मटेरियलिस्टिक लोगों में ये गुण होते हैं, पर एक जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गुण नहीं होते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं, तो वो ऐसे ही लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उनके साथ ऐसे ही रहें. तो शिव शक्ति हम मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में सबसे बड़ा जो आप लोगों के बीच में यू नो डिफरेंस है वो यही है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और ये चीज़ आपके लव लाइफ को अफेक्ट करती है, क्योंकि आप ऐसा ही व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं शिवशक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बने, यानी कि जो बिल्कुल आपकी तरह हो, तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को समय देने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि जो आपके लव को डिजर्व करता है वो आपकी तरफ खुद आएगा, यानी कि वो आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होगा. क्योंकि अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हों और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर आपका फोकस है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी वाइब्रेशन आपके साथ मैच ना होती हो,
तो दो काम हो सकते हैं, या तो आप अपने आप को बदलें, या फिर आप मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक बना लें, या फिर आप कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें, ऐसे व्यक्ति का वेट करें जो आप ही की तरह स्पिरिचुअल हो, जिसके साथ आपके वैचारिक मतभेद ना हो। ठीक है, यहाँ पर कार्ड आ रहा है लव का एंड इमोशनल फ्रीडम का। कोई भी कनेक्शन में जाने के लिए शिव शक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी लव लाइफ है वहां पर आपकी चीजें ठीक नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि आपके अंदर लव की ऊर्जा तो है लेकिन आपको इमोशनली खुद को बैलेंस करना नहीं आता। इमोशनली आप किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर शिव शक्ति का मैसेज है कि आपके अंदर लव की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, आप खुद को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। तो अपने आप को बंधन में ना रखें, किसी के साथ भी इमोशनली बांधे ना खुद को, अदरवाइज सामने वाले व्यक्ति के थ्रू आप कंट्रोल किए जाएंगे। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है इमोशनली इमोशनल फ्रीडम का कार्ड, यानी इमोशनली खुद को फ्री करो। ठीक है, किसी के साथ भी इमोशनली ज्यादा बंधो मत। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पर शिव शक्ति आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके ड्रीम्स में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, उनको आप ध्यान दें, उनको आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी शादी किसी ऐसे ही व्यक्ति के साथ होनी है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, हैप्पीनेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जैसे कहते हैं ना कि एक सुबह जैसे ही होने वाली होती है, उसके पहले बहुत काली रात, बहुत ही काली काली रात होती है, यानी घोर अंधेरा जिसे हम बोलते हैं, तो वही घोर अंधेरा आपके जीवन में चल रहा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घोर अंधेरे के बाद सूरज नहीं निकलेगा, यानी सन नहीं आएगा। डेथ का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, बहुत कुछ आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, काली रात, काला अंधेरा, बट यहाँ पर सूरज निकला है, यानी कि रोशनी है, यानी परमात्मा ये कह रहे हैं कि खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है। एक चैप्टर क्लोज होते ही सेकंड चैप्टर ओपन होने लगता है, एक दरवाजा खत्म होते ही दूसरा दरवाजा खुलने लगता है। आपकी मैरिड लाइफ में आपको भरपूर सक्सेस मिलनी है। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव, लेकिन लव लव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यही लव कमजोरी नहीं बनना चाहिए कभी भी। जैसे शिव शक्ति आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लव कभी भी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। जिस दिन लव आपकी कमजोरी बन जाएगा ना, उस दिन आप हार जाएंगे, और जिस दिन लव आपकी ताकत बन जाएगा, उस दिन आप ईश्वर को भी जीत लेंगे। क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, लव की जो पावर है उससे आप परमात्मा को पा सकते हैं, जैसे शक्ति ने शिव को पाया था, मतलब एक तरीके से भक्त ने भगवान को पाया था। यहाँ पर हम शक्ति को भक्त की तरह लेते हैं अगर, तो उन्होंने अपनी लव की पावर में सीधा ईश्वर को पाया था। ठीक है, तो अगर आपकी लव आपका पावर है तो आप परमात्मा को भी प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें भी खुश कर सकते हैं। लेकिन लव अगर आपकी कमजोरी है तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग बर्बाद हो भी जाते हैं। ठीक है, तो वो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने लिए, क्योंकि जो व्यक्ति लव में बर्बाद होता है कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट सबकी धज्जियां उड़वा लेता है, और इस चीज के लिए परमात्मा आपको साफ मना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया से आप प्यार नहीं कर सकते, आप खुद ईश्वर से भी प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप ईश्वर की बनाई हुई चीजों से प्यार नहीं करते, यानी खुद से प्यार नहीं करते, आप जब तक आप समानता का भाव लेकर नहीं आते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से। यहाँ पर कार्ड है सेल्फ एस्टीम का, आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। सो अगर आपके अंदर कुछ इस तरीके की इश्यूज आ गए हैं कि आप तो बहुत महान हैं, दूसरा महान नहीं है, ठीक है, तो इन शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीजें आपको मिली हुई हैं परमात्मा की कृपा से मिली हैं, तो उनको लोगों में बांटना स्टार्ट करें, यानी कि जो भी गिफ्ट्स आपके पास हैं उनको लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करो, ना कि खुद घमंड में बैठ जाओ कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो ईश्वर ने सब कुछ दिया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत महान हूँ, बाकी दुनिया ऐसी ही है। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसी महानता वाली चीजें हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनको चीजों में बांटना स्टार्ट करो, यानी उनको लोगों में बांटना, उन चीजों को लोगों में बांटना स्टार्ट करो। ठीक है, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग आपको मैसेज आ रहा है एक हैप्पीनेस का, सक्सेस का, लेकिन आप हैप्पीनेस और सक्सेस लाइफ तब लीड कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करें, यानी सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब तक ये सोचेंगे कि कोई आकर आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा, बहुत ज्यादा इमोशनली आप हर चीज का ध्यान रखेगा, ये सब कोडिपेंडेंसी के लक्षण होते हैं। ठीक है, ऐसे में व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आप अपनी चीजों का ध्यान खुद रखेंगे, ठीक है, आप अपने आप को इमोशनली फ्री रखेंगे, इनर चाइल्ड को खुद आप लव देंगे, प्यार देंगे, अपने आप खुद से सच्चा प्यार करेंगे, जब आप ये सारी चीजें करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं सामने वाले जो लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक देने लगते हैं। जब तक आपकी मांग होती है, जब तक आप चीजों के पीछे पड़े हैं, तब तक वो आपको नहीं मिलती। जिस दिन आप मांग करना बंद करते हैं और देना स्टार्ट करते हैं खुद को, लोग आपकी जिंदगी में आकर वो सारी चीजें ऑटोमेटिक देने लगते हैं आपको। ठीक है, तो इसी तरीके का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कार्ड है मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस। देखिए, अगेन यहाँ पर अवेयरनेस का मैसेज है। देखिए, आपका किसी के साथ भी डीप कनेक्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें। किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्शन चलाने के लिए
आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपका उस व्यक्ति की सोल के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपका किसी व्यक्ति के साथ सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसके साथ डीप कनेक्शन रियलाइज करने के लिए आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा, यानी इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये शिव शक्ति मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज़ें ऐसा लगता है आपको कि ये मुझे डिजर्व नहीं करती, भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, तो अपने साथ किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती मत करो। जो चीज़ आपको लग रहा है कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा या नहीं कर पा रही, मुझसे नहीं हो पा रहा, उसको लेट गो कर दो। ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करो। कई बार हम चीज़ों को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो नेचुरली अनफोल्ड ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है, हो सकता है ब्लेसिंग दरवाजे तक आकर रुक जाए, अब आप उसको अंदर ही नहीं आने दे रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे हो। तो कभी कभी ना लाइफ के अंदर जब आप अपने आप से ज़बरदस्ती करते हैं ज़्यादा, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। कई बार अगर आपका मन किसी चीज़ पर नहीं मान रहा है, तो अपने साथ ज़बरदस्ती ना करने की वजह से, ना करने की बजाय लेट गो कर दो। ये सोच लो कि ठीक है मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं छोड़ता हूँ, अब जो होना होगा वो होगा। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन का मैसेज आ रहा है, चेंज का मैसेज। हो सकता है आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही हो क्योंकि आप मुझे यिन यांग का साइन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि भाई अपने आप को बदलो। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो खुद को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। जो भी धोखे, जो भी आज तक आपने देखा है कि भाई मैं ऐसे बिहेव करता हूँ तो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मैं ऐसे बिहेव करता हूँ तो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे, आप सेम तरीके की चीज़ों में बार बार फंसेंगे, लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते। हम सोचे कि हमारे आसपास 50 लोग रह रहे हैं, वो 50 लोग बदल जाएं और हम ऐसे ही के ऐसे रहें, हम तो हमें कुछ ना बदलना पड़े, लेकिन वो लोग बदल जाएं क्योंकि हमें खुश रहना है और हमें खुश रखने की जिम्मेदारी उनकी है। परमात्मा ये कहते हैं कि आपको खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो अगर आपके आसपास ये 50 लोग नहीं बदल सकते, तो आप बदल जाइए। आप खुद को इतना स्मार्ट बना लीजिए कि आप हर तरीके के व्यक्ति के साथ डील करना सीख जाएं, आप हर व्यक्ति को आप टैकल करना सीख जाएं। ठीक है, आप दूसरों को नहीं परिवर्तित कर सकते, लेकिन आप खुद को कर सकते हैं, और आप खुद को कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है कि ज्यादा चीजों के पीछे आपको भागना नहीं है, कुछ चीजों को आप लेट गो कर दो, नेचुरली अनफोल्ड होने दो, देखने दो कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सजाया हुआ है। आप जितना काम अगर आप करना चाहते हैं, जितना आप सोचना चाहते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करें, ना कि दूसरों के लिए। ठीक है, और आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं उनको लोगों में बांटिए, जिसको जरूरत है उसको दीजिए, जिसको जरूरत नहीं है उसको आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, बिन मांगे की चीज नहीं बांटनी चाहिए, वरना उसकी कदर नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके की मैसेज शिव शक्ति आपकी लव लाइफ में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी कमियां आपके अंदर हैं जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, इन पर काम करने के लिए आपको स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। डेफिनेटली शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।